फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं आपकी होस्ट संध्या। और आज मैं जा रही हूं मुंबई से दिल्ली। वहां मैं मिलूंगी कुछ अपने दोस्तों से जो कि मेरे बचपन के दोस्त हैं, और मुझे लगा मैं आप लोगों से भी उन्हें इंट्रोड्यूस करवाऊं। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। और कुछ मिलूंगी अपने फैमिली मेम्बर से, तो चलिए देखते हैं किससे किससे मुलाकात होती है। तो चलिए चलते हैं। आ गए हैं, बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लिया है और फ्लाइट हमारी डिलेड है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। मतलब 7:40 की हो गई है फ़िलहाल फ़्लाइट, और हम लोग काफ़ी पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे स्पेशल नहीं बहुत स्पेशल है अगर करना चाहो तो। अच्छा चलो ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या स्पेशल कर सकते हैं। हस्बैंड को लेकर के आई, आपने फोटोज़ भी देखा होगा लेकिन मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ये है मेरे हस्बैंड। तो हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, और फ्लाइट है हमारी डिले। तो मैं पढ़ती हूँ बुक और उसके बाद में देखते हैं और क्या कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी है। और मैं घर से बहुत जल्दी निकल गई थी कि ऑफ़िस गई, और ऑफ़िस के बाद में फिर यहाँ पर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं अभी और क्या क्या होगा। खरीदी है एक बुक जो कि मेरे हस्बैंड ने बताई है, और ये कर पढ़ रहे हैं पेपर। तो वो जो बुक है इसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो बुक, और इसकी एक कॉपी मैंने अपने फ्रेंड के लिए भी लिया हुआ है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी बुक होगी। मैंने पहले एक दो बुक्स पढ़ी हुई हैं। मैं ज़्यादा बुक पढ़ने की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम से मुझे चस्का चढ़ा है, मेरे हस्बैंड ने लगाया है, तो देखते हैं इसमें क्या है। तो वेट करते करते लगी है भूख, तो हम खा रहे हैं स्वीट कॉर्न। ये है चाट मसाला, और ये क्या है, सॉल्टेड। तो मैं ले रही हूँ चाट मसाला, मुझे लगता है ये ज़्यादा टेस्टी होगा, ये बहुत सिंपल होगा। आज मेरे पति की वजह से मेरी बस, मतलब बस क्या, फ्लाइट छूटने वाली थी, क्योंकि लास्ट कॉल थी। ये देखिए बस पूरी खाली है, इसमें मतलब हम लोग हैं। तो मैं बहुत देर से बोल रही थी कि चेक इन स्टार्ट हो गई है, वो देखो फ्लाइट वहाँ पे शो कर रहा है, सॉरी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये सुन नहीं रहे थे। हाँ नहीं, तुम गलत देख रही हो, गलत देख रही हो। तो चलिए इसी बहाने मुझे इसमें बस भी काफ़ी देर पड़ गई है, एकदम धक्का मुक्की जोर जोर से हो गई है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे का, और बस तो पीछे दिख रही है कि पूरी खाली है, तीन लोग हैं इसमें बस, हो गया। तो चलिए अभी फ्लाइट के अंदर चलते हैं। हम ही लोग अलग से दिखेंगे, सब हम ही मिल के देख रहे होंगे कि इन लोगों की वजह से अभी हम वेट कर रहे हैं। तो मैंने आज आपको पूरे मुंबई एयरपोर्ट का दर्शन करा दिया है, मतलब अंदर से लेके बाहर तक। ये देखिए, तो हमारी फ्लाइट कौन सी है, तो ये बस जहाँ जा कर के रुकेगी। मुझे यहाँ पे कौन सी दिख रही है, ये वाली फ्लाइट है, ये जो खड़ी हुई है इंडिगो की, ये हमारी फ्लाइट है। तो फ्लाइट रेडी है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत ज़्यादा देर तक हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। हम ही तीन लोग इसमें बैठेंगे और फ्लाइट थोड़ी देर में टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाएगी। तो चलिए पहुँच गए हैं, बोर्ड करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अब मेन रनवे पे, बस ये टेक ऑफ होने के लिए तैयार है, और बाहर कितना खूबसूरत दिख रहा है। बस अभी खड़ी हुई है मेन रनवे पे आकर के, इसके आगे भी कुछ फ्लाइट्स रहती हैं, तो वो लाइन बाय लाइन जैसे जैसे जाती आती है वैसे वैसे क्लियर होता जाता है। तो बस वेट कर रहे हैं, लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं और बिल्कुल टेक ऑफ के लिए हम रेडी हो गए हैं। बहुत देर से ग्राउंड में ही ट्रेवल कर रहे हैं, और मेन रनवे चेंज किया गया क्योंकि विंड चेंज होने की वजह से ऐसा करना पड़ा। ये विंड डायरेक्शन चेंज हुआ इसकी वजह से करना पड़ा, ये भी फर्स्ट टाइम हुआ है, बट चलो एक नया एक्सपीरियंस हुआ ही आज मुझे। तो अब फाइनली हम लोग टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं, और रनवे भी चेंज हो चुका है विंड की वजह से, तो चलिए अब टेक ऑफ करते हैं।
our passengers. We request you to double check your baggage before leaving to still prevent the bags getting exchanged with the bags of fellow passengers. On behalf of Indigo, we wish you a very pleasant stay here or a happy onward journey. Thank you for choosing to fly with us. हम लोग दिल्ली पहुंच गए हैं और अब जा रहे हैं घर। काफ़ी रात हो चुकी है, 10:30 बज चुका है और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब घर चलते हैं, बाकी की बातें बाद में। चलिए, तो हम लोग हैं मेट्रो स्टेशन में। कौन सा मेट्रो स्टेशन है? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट वाला मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ से हम जाएंगे उत्तम नगर। काफ़ी अच्छा बना है, मतलब ऐसा फील आ रहा है जैसे कि हम किसी फॉरेन के स्टेशन में हों। ये मतलब दिल्ली में बहुत ही अच्छा बना हुआ है, मतलब इस मामले में दिल्ली बहुत अच्छी है ना। पॉल्यूशन का तो पता नहीं है लेकिन मेंटेनेंस बहुत है। नहीं, ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड, मतलब बचपन का दोस्त। बचपन का दोस्त बोले तो चड्डी बडीज। हाँ, और हम लोग हैं दिल्ली में। कल मैंने ब्लॉग अपना ख़त्म नहीं किया था, मतलब ये अभी कंटिन्यू रहेगा और बहुत सारे लोगों से मैं मिलाऊंगी। तो अभी हम खा रहे हैं क्या? पोहा। और पोहे के साथ हम पी रहे हैं जूस, ऑरेंज जूस पी रहे हैं। तो हम लोग मतलब इतनी गर्मी और दिल्ली का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कितना है इस समय अभी टेम्परेचर? 38-39 है। और अभी बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं कितने? नहीं, 40 हो गया आई बिलीव। 40 अभी कितना टाइम हो रहा है? नहीं पता, डेढ़ बज रहे हैं। और हम सोच रहे हैं बाहर जाने की, पर हमारा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है बाहर जाने का, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जाएंगे शाम को जाएंगे, और थोड़ा शाम को जाएंगे। शाम क्या, दोपहर में ही थोड़ा सा जाएंगे। तो क्योंकि फाइनली कल जो फ्लाइट हम मिस करने वाले थे वो हमारी बहन जी ने फाइनली अपनी फ्लाइट आज की मिस कर दी है, तो वो 2 घंटे बाद की फ्लाइट में यहाँ आ रही है। चलिए, हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम है। और बाकी तब तक हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं जाऊँगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं दिल्ली में कहाँ घूमती हूँ। पर्सनली मुझे यहाँ की मेट्रो पसंद आई और मैं दिल्ली आई हूँ 4 साल पहले मैं आई थी। और यहाँ पानी का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब मैं सोचती थी मुंबई में, बट मुंबई में एक टाइम फिक्स होता है, लेकिन यहाँ लग रहा है कि टाइम ही नहीं कुछ फिक्स है, क्योंकि हम सुबह के 5 बजे तक वेट करते रहे कि पानी आएगा आएगा और पानी नहीं आया। हाँ, फिर 5:15 बजे हम लोग सोए हैं और थैंक गॉड कि लाइट है और AC चल रहा है, तो हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। और मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो है जूस। मतलब मैं जूस ऐसे बाहर का पीती नहीं हूँ, पर ये जूस काफी अच्छा है। पेपर बोट का है, पेपर बोट का दिखाओ। वो पेपर बोट का ऑरेंज जूस है। तुझे बोआ खाना है कि नहीं खाना है? नहीं नहीं, खाओ तो ठीक है। चलो देखते हैं, अभी मैं दिखाती हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सुभाष नगर जा रहे हैं। और अभी है हम लोग उत्तम नगर में, और वहाँ मैं जाएंगे हम। हाँ, सुभाष नगर हम जा रहे हैं। और किस लिए जा रहे हैं? किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे शहर आए हैं, तो तुम बताओ किस लिए जा रहे हैं? धूप इंजॉय कर रहे हैं, सन बात ले रहे हैं। नहीं, सन बात नहीं ले रहे हैं, वाकई बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम लोग जो है जा रहे हैं, सबसे पहले मेरी नंद आ रही है बहुत लोग, उसकी फ्लाइट एक छूट गई थी दूसरी, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे एक मॉल, पैसिफिक मॉल, क्योंकि और यहाँ घूमने का मुझे नहीं समझ में आता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम वेट कर सकते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा, आप देखते रहिए, मैं बीच बीच में दिखाती रहूँगी। हम लोग हैं ई रिक्शा में, जिससे हम लोग जा रहे हैं मेट्रो है, और ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो रिक्शा वाला मिक्स कर देते हैं। ये क्या है? बैटरी।
बैटरी रिक्शा है, बहुत ही बैटरी से चलने वाला बैटरी रिक्शा पैदल रिक्शा से ज़्यादा अच्छा रहता है। सही बात है, मेहनत कम पड़ती है ना, उससे बहुत जम्पिंग हम लोग हैं मेट्रो स्टेशन है और हम जा रहे हैं टू जा रहे हैं, फ्लाइट टू पे रहेंगे हम, जाएंगे वन से टू, वन से टू जाएंगे। ये है मेट्रो, हम लोग मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट के लिए पहुंच गए हैं, काफ़ी ऊंचाई है। हम लोग एयरपोर्ट के लिए मेट्रो से निकल करके, ये शॉर्टकट है, यही रूट है इसका, टर्मिनल वन के लिए ये रूट है। ओके, हम लोग एयरपोर्ट पे मिनी को पिक करने के लिए पहुंच चुके हैं, जो कि पता नहीं नेटवर्क ना मिलने की वजह से हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो लैंड तो कर रही है, किस पर से आएगी, टर्मिनल वन से या टू से, वेट करते हैं। तो मिनी पहुँच गई है और सबसे ज़्यादा हॉरिबल जर्नी थी इसकी, जिसके लिए हम लोग को भी सफ़र करना पड़ा है ना। अब हम चलते हैं कहीं घूमने और इसको ऐसे ही घूमना पड़ेगा, क्या करें, जींस फटी का फैशन है। हाय एवरीवन, ये है मेरी फ्रेंड ज्योति। हाय, माय नेम इज ज्योति रॉय। हम लोग की शक्ल मिलती है क्या? सही बात है, दोनों एलियन है। हम लोग अभी खाने की तैयारी कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड और मेरा फ्रेंड लेने के लिए गए हैं कुछ कुछ स्टॉक्स, देखते हैं क्या ले करके आते हैं। और ये व्लॉग मेरा पूरा देखिएगा क्योंकि कल कुछ स्पेशल भी आएगा। हम लोग पैसिफिक मॉल के अंदर हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट मॉल है दिल्ली का और इट्स लोकेटेड इन सुभाष नगर। और आप यहाँ पे क्राउड देख सकते हैं, देखिए क्राउड आपको दिखाया जाएगा, यू कैन सी दी क्राउड, एक्चुअली जैम पैक, people are enjoying lots of food variety, there are lots of people who came with the family also enjoying the food stuff. Now I'll hand over this to Sandhya. aur ye hai meri bhabhi, ye hai bhai, ye hai meri nan, ye hai meri friend jyoti। वेजिटेरियंस हैं, ये दो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और बाकी सब वेज खाने वाले हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक्स और फ्रेंच फ्राइज, और ये हटा दो जीजू, ये देखिए जीजू कितना सारा खाने वाले हैं, सारा खुद अकेले लेकर के बैठे हुए हैं। जीजू कितना सारा करेंगे ना? नहीं सारा मिल मॉल, और इसके बाहर है ये एक मतलब ऐसी मार्केट बना के रखी है, ये सिर्फ संडे को अलाउ है ना? yes. ये सिर्फ संडे को अलाउ है और काफ़ी अच्छी मार्केट है। और ये है शरारा, ये पूरा कलेक्शन ही शरारा का है। सबको बिठा दिया है क्योंकि सब लोग थक गए हैं और हम लोगों को थकान नहीं है क्योंकि फिर हम लोग प्लीज वी आर गर्ल्स। हाँ, और मेरे ख्याल से शॉपिंग, हाँ वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं शॉपिंग में, तो हम भी बस वही कर रहे हैं।
भाई से मिल चुके हैं और मैंने इंट्रोड्यूस तो कराया था लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि ये भाई साहब शेफ़ हैं, रह चुके हैं और बहुत अच्छे शेफ थे। अभी भी इनका क्या है कि ये ओनर हैं और वो है बिरयानी आर्ट के, और मैंने अभी वेज बिरयानी खाई जो कि मेरी आज तक की सबसे अच्छी वेज बिरयानी थी। और जो ये है मैडम किरण है, ये मुझे हमेशा बोलती थी कि जो है मेरे रेस्टोरेंट की बिरयानी बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक मैंने टेस्ट नहीं किया मैंने नहीं बोला, लेकिन सच में मैं 5 में 5 बोली, बाकी बेस्ट बिरयानी थी। तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट हमारे शेफ़ की टीम को जाता है जिनके हमने सारी रेसिपीज़ बताई हुई हैं और दे आर वेरी डेडिकेटेड, हमने जो भी फॉर्मूले उनको बताए हुए हैं उसको सेम फॉलो करते हैं। और अगर मैं अपने ब्रांड के बारे में बात करता हूँ, इट्स बिरयानी यार, ये 3 साल पहले हमने स्टार्ट करा था एंड वी स्टार्टेड विद सुपरमार्ट 1 कॉम्प्लेक्स जो जहाँ पे इन्होंने अभी लंच किया है, एंड आफ्टर दैट वी गॉट सक्सेस इन दिस ब्रांच सो वी प्रोसीड फर्दर फॉर हैदराबाद। देन वी आर द फर्स्ट इंडियन बिरयानी ब्रांड हु go to overseas and open their outlet in Malaysia, and which is we are getting very good response there. After that we planned many outlets in NCR, we have 3 units in Gurgaon, 1 in Dwarka, and there are 4 or 5 units which we are opening soon. So the recent one which Sandhya visited is the Biryani Art Supermart 1 complex, and the recipe and the preparation is almost 45 minutes biryani will take to get complete. And it's completely Hyderabadi, so all the material, if we talk about the chicken or mutton or the vegetable, we used for the fresh, and after that there are three layers of preparation which we do, and it will take 45 minutes to complete the dump process, and it will just come out with the salan raita, and it's yum. Okay, aur ye location kahan pe hai? It's located in DLF Phase 4 Supermart 1. This is the oldest community center, you can say that, or a high street market, which is made by the DLF builder. And it has a huge crowd, basically, which came usually with the family. So it's located in Supermart 1, Gurgaon. Oh, जो हिंदी में देखते हैं, क्योंकि बेसिकली मेरा चैनल हिंदी में लोग देखते हैं, तो उनको एक्सप्लेन ये कर दो कि कैसे मतलब आएंगे। जैसे मैं तो मेट्रो से आई थी येलो लाइन कुछ, बिकॉज मुझे भी ज़्यादा दिल्ली के बारे में नहीं पता है, तो अगर किसी को यहाँ आना है तो वो कैसे आएगा? ये मेरे हिसाब से सबसे सेंटर में बसा हुआ एरिया है सुपर मार्ट का, और इससे अगर हम मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, इट्स लोकेटेड वेरी इन सेंटर, अगर आप कोटा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर उतर जाते हैं, बिजली लास्ट स्टॉप ऑफ गुड़गांव, वहाँ से आप मुश्किल से हार्डली इट विल 2-2.5 किलोमीटर पड़ता है, तो आप नॉर्मल एक रिक्शा पकड़ लें या तो एक ऑटो पकड़ लें, वो हार्डली 40-50 रुपये लेगा और आपको सुपर मार्ट 1 पर छोड़ देगा, और बिल्कुल फ्रंट में ही आप एग्जिट गेट के सामने ही बिरयानी आर्ट की लोकेशन को देखेंगे, बोर्ड लगा हुआ है, आप आएँ और हमारी डिलीशियस बिरयानी को ट्राई करें। जैसा कि मेरे भाई ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और आप श्योर अगर आप दिल्ली में रहते हैं, इवन अगर आप बाहर से भी आते हैं, मैं तो दिल्ली में नहीं रहती, फ़र्स्ट टाइम आई, लेकिन मैंने यहाँ की बिरयानी बहुत इंजॉय की। इवन मेरे साथ में और भी मेरी पूरी फैमिली है, हम लोग तो बाहर आए हैं, मैंने कहा कि एक बार इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि मुझे वाकई ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, और एक बार आकर के इसके यहाँ की बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैं खाने के बाद आपको ये बता रही हूँ, और मैं इससे ही टिप्स लेकर के एक बिरयानी की रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू बाय, प्लीज कम जरूर आना। तो आज हम लोग फाइनल बाय बाय बोल करके अलग हो रहे हैं, मतलब हम तीनों फ्रेंड्स, तीनों बेस्ट फ्रेंड्स, अमूल, कौन वाला अमूल, टेट्रापैक अमूल धूम, संध्या और ज्योति। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से वापस मुंबई, तो तुम लोग आना। सी यू एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, चलो बाय बाय। हेलो एवरीवन, ये वीडियो स्पेशली मैं ज्योति रॉय अपने इस बेस्ट फ्रेंड के लिए कर रही हूँ। आप लोग जैसे अपना प्यार दे रहे हैं इसको, और दीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल वुमेन कि वो आगे बढ़े और अपने आप को प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच for your support, whatever the support you have given to her, please continue. Thank you very much. Goodbye.
थैंक यू। और ये मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब हम लोग बस दिल्ली से मुंबई के लिए वापस जा रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले दिखाया है, मेरे फ्रेंड मतलब ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, लोग बचपन के दोस्त हैं, चटी बडीज़ हैं या चटी बडी, और अभी भी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बहुत कम देखने को मिलती है। तो आपके भी जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके लिए मतलब ये एक मतलब गॉड गिफ्ट है। आज जनरली होता नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा जो फ्रेंड है उसकी शादी हो चुकी है, बस इसकी बची हुई है शादी होना, और फिर भी हम लोग का एक बॉन्ड है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। और आप देख सकते हैं, स्पेशली मैंने अपना ऑफ लिया और ये मुंबई से आई और हमने एक रात, कल हम पूरे दिन नहीं सोए, पूरी रात नहीं सोए हाँ, तो बिना सोए हम लोग फिर भी चमक रहे हैं, यू कैन सी द ग्लो ऑन आवर फेस। नहीं नहीं, बहुत डल हो चुका है क्योंकि बहुत थकान है और दिल्ली का टेम्परेचर एग्जर्शन बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है, दैट्स ओके, दोस्ती के लिए गर्मी कुर्बान।